बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम हम पिछले लेक्चर से ये डिस्कस कर रहे हैं समराइज फॉर्म में कि मनी सप्लाई प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसमें से हमने दो फैक्टर पढ़ लिए एक था नॉन बारोड मॉनेटरी बेस जिसका इफेक्ट होता है मनी सप्लाई के ऊपर और दूसरा हमने पढ़ा बारोड रिजर्व उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट होता है मनी सप्लाई के ऊपर अब हम उसी सीक्वेंस में जो तीसरा फैक्टर पढ़ते हैं क्योंकि ये उसी लेक्चर का पार्ट टू है तो हम उसके जो तीसरा फैक्टर पढ़ेंगे वो है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो और आपको पता है रिक्वायर्ड रिजर्व के ऊपर होती है और कौन सेट करता है सेंट्रल बैंक सेट करता है तो सपोज देयर इज एन इंक्रीज इन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो ऑन चेकेबल डिपॉजिट और ऑन ओवरऑल डिपॉजिट यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक में जो कस्टमर्स के डिपॉजिट्स हैं उनके ऊपर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो इंक्रीज कर देता है तो ये हम पीछे प्रोसेस में बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि उससे मल्टीपल डिपॉजिट क्रिएशन रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि हमारा मल्टीपल डिपॉजिट क्रिएशन का फार्मूला है ओवर रिक्वायर्ड रिजर्व तो जब रिक्वायर्ड रिजर्व बढ़ गया तो ये डिनोमिनेटर में है ओवर दिस तो इसका मतलब है ओवर दिस मल्टीप्लाइड बाय टोटल रिजर्व तो जो मल्टीपल वाला फैक्टर है वो छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि मनी सप्लाई सिस्टम में कम हो जाएगी पहले से तो so, रिजल्ट ये होगा कि वे मनी सप्लाई इज चेंज इट इज नेगेटिवली रिलेटेड टू द रिक्वायर्ड ऑन रिक्वाबल डिपॉजिट सो फोर्थ फैक्टर इज एक्सेस रिजर्व और एक्सेस रिजर्व का मतलब भी बड़ी डिटेल में आप कुछ साथ डिस्कस हो चुका ये कमर्शियल बैंक का डिसीजन होता है तो अगर कमर्शियल बैंक ये डिसीजन ले ले ये सेंट्रल बैंक का डिसीजन नहीं है लेकिन अगर कमर्शियल बैंक ये डिसीजन ले ले कि उसने एक्सेस रिजर्व होल्ड करने तो उससे क्या होगा हमने पीछे प्रोसेस में पढ़ा कि मल्टीपल डिपॉजिट क्रिएशन उससे भी स्टॉप हो जाता है और उससे भी जो मनी सप्लाई में एक्सपेंशन हो रही थी वो कम होती है उसके मुकाबले में अगर एक्सेस रिजर्व कमर्शियल बैंक ना होल्ड करता इसका मतलब है नेट रिजल्ट ये है कि मनी सप्लाई इज नेगेटिवली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ एक्सेस रिजर्व्स हेल्ड अब जो एक्सेस रिजर्व्स हैं इससे मनी क्रिएशन तो कम हो जाती है तो सवाल यह है कि एक्सेस रिजर्व्स बैंक क्यों होल्ड करना चाहिए कोई वजह है कि वो लेंडिंग की बजाय एक्सेस रिजर्व होल्ड करने को तरजीह दे दे? यस yes, उसकी रीजन हो सकती है और वो क्या कि जो डिपॉजिट आउटफ्लो होता है दैट रिक्वायर्स इधर सेलिंग सिक्योरिटीज आर बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक देखें एक बैंक से बहुत सारे कस्टमर इकट्ठे आ जाते हैं कि हमने अप, हमें अपना डिपॉजिट विद्रॉ करना है तो आपको पता है किसी बैंक के पास भी लिक्विड एसिट्स इतने अवेलेबल नहीं होते कि वो लार्ज अमाउंट में डिपॉजिट आउटफ्लो को मेंटेन कर सके तो नतीजा क्या निकलेगा या तो ये होगा कि ये सेंट्रल बैंक से बैंक लोन लेगा और वो लोन कॉस्टली है दूसरी बात ये है कि ये अपनी सिक्योरिटी सेल करना शुरू कर देगा तो वो भी इसकी क्रेडिट रेटिंग इसके एसेट्स को कम करेगा या फिर ये बैंक फेल हो जाएगा तो बैंक फेलियर की तरफ केस जाएगा अब इस सूरत हाल से बचने के लिए बैंक अपने पास कुछ एक्सेस रिजर्व होल्ड करते हैं एक्सेस रिजर्व का, का काम इंश्योरेंस है इंश्योरेंस की तरह कि अगर कभी लार्ज स्केल डिपॉजिट आउटफ्लो हो गया तो जो या कोई अनएक्सपेक्टेड डिपॉजिट आउटफ्लो आ गया तो एक्सेस रिजर्व्स पड़े हुए तो वो उससे मीट हो जाएगा इसका मतलब ये है कि जब कभी जो डिपॉजिट आउटफ्लो का ज्यादा चांस हो उस केस में एक्सेस रिजर्व ज्यादा हो जाएंगे बैंक से और उस केस में यह भी पॉसिबल है कि मनी सप्लाई का जो मल्टीपल डिपॉजिट क्रिएशन के थ्रू प्रोसेस है वो कम हो जाएगा और मनी सप्लाई कम क्रिएट होगी इसी तरीके से एक और फैक्टर जो करेंसी होल्डिंग है जो कि पब्लिक का डिसीजन है अगर वो पब्लिक चेकेबल डिपॉजिट्स को या किसी भी डिपॉजिट को कन्वर्ट कर दे करेंसी में तो मल्टीपल डिपॉजिट क्रिएशन स्टॉप हो जाती है और मनी सप्लाई कम हो जाती है यह उसका रिजल्ट है कि इट इज नेगेटिवली रिलेटेड विद। यानी कि करेंसी होल्डिंग इज नेगेटिवली रिलेटेड विद मनी क्रिएशन और मॉनिटरी एक्सपेंट ये सारे का समरी टेबल है जो कुछ डिस्कशन हमने अभी तक मनी सप्लाई के प्रोसेस से रिलेटेड की है उसका समरी टेबल यह है कि तीन हैं सेंट्रल बैंक बैंक कमर्शियल बैंक्स और पब्लिक इनसे रिलेटेड कुछ वेरिएबल्स हैं जैसे सेंट्रल बैंक का वेरिएबल है नॉन बारोड मॉनिटरी बेस रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो और बारो ये दो उसके रिलेटेड हैं जो कमर्शियल बैंक है उससे रिलेटेड भी दो हैं एक बारोड रिजर्व यानी कि ये डिसीजन के रिजर्व बारो करना ये कमर्शियल बैंक का होता है और एक्सेस रिजर्व ये भी कमर्शियल बैंक का डिसीजन है और पब्लिक से रिलेटेड करेंसी होल्डिंग का डिसीजन है कि, कि कितने डिपॉजिट रखने हैं बैंक में और कितनी करेंसी तो रिलेशनशिप सामने लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल बैंक के दो वेरिएबल्स हैं उनमें से नॉन बाररोड मॉनिट्री बेस का पॉजिटिव इफेक्ट है मनी क्रिएशन के ऊपर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो का नेगेटिव इम्पैक्ट है इसी तरीके से जो कमर्शियल बैंक के दो हैं उनमें से है बाररोड रिजर्व का पॉजिटिव इम्पैक्ट है मनी क्रिएशन के ऊपर जबकि एक्सेस रिजर्व का नेगेटिव इम्पैक्ट है और फाइनली जो पब्लिक है उसका अगर करेंसी होल्डिंग बढ़ जाए तो भी मनी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है Thank you.